हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ राहुल चौधरी और आज आपको बताऊंगा मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। दुनिया का जो सबसे जो शक्तिशाली जो पासपोर्ट है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उस देश के लोग जो सिटीजन है, उस देश के नागरिक, वो किसी भी दूसरी कंट्री में आसानी से जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जा सकते हैं। उसके हिसाब से ऐसे कितने कंट्री, ऐसे कौन कौन से देश है जो क्या है स्ट्रोंगेस्ट है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट लेके आया हूँ मैं, दो जगह से मैंने निकाली। एक तो हार्नले पासपोर्ट इंडेक्स से, जिसमें 199 पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है और 227 डिफरेंट ट्रेवल डेस्टिनेशन इसमें इंक्लूड है। अब इसमें सिंगापुर, इसमें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्नले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। तो ये रिपोर्ट 2024 की है और इसमें जो टॉप पे है वो है सिंगापुर 195 कंट्रीज़ का, यहाँ पे ऐसे ऐसे है। सेकेंड नंबर पे है फ्रांस 192 कंट्रीज़, अब फिर ऐसे करके चार पांच देश है जिनको 192 कंट्रीज़ का एक्सेस है, जो वहाँ के लोग हैं 192 कंट्रीज़ में आराम से वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के थ्रू आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और स्पेन। इन सब देशों के अंदर 192 कंट्रीज में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर थर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और फिर लक्समबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, ये वो देश थे जो 191 कंट्रीज में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। अब इसमें सिंगापुर जो है वो टॉप पे है, बाकी फिर जो है नीचे नीचे ग्राफ नीचे आ जाता है। इसमें जो मैंने बताया सिंगापुर 195 कंट्रीज के साथ टॉप पे अकेली कंट्री है, 192 कंट्रीज़ के साथ पांच देश हैं जो मैंने आपको नाम बताई दिए, फिर सात देश ऐसे हैं जो 191 कंट्रीज़ के साथ तीसरे नंबर पे। अब ये रिपोर्ट हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है, पर इसमें जो ज़्यादातर जो टॉप की जो कंट्रीज़ है वो सेम रहती है, ठीक है। टॉप टेन में जितने भी देश हैं वो उनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, पर ये है कि नंबर वन पे, नंबर टू पे, नंबर थ्री की पोजीशन पे आगे पीछे होता रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स की। ये दूसरी वेबसाइट है, दूसरा सोर्स है जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। इसके हिसाब से इन्होंने क्या करा है, टोटल ओनली वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल दोनों की अलग अलग लिस्ट निकाली है और उसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि पावरफुल कौन सा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यूएई में 134 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री एसएस है और 45 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है इनको। स्पेन 134 कंट्रीज, 44 कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल है। फ्रांस 135 कंट्रीज में वीज़ा फ्री है बट वीज़ा ऑन अराइवल ओनली 42 पे है। जर्मनी नंबर फोर पे 134 कंट्रीज वीज़ा फ्री और 43 कंट्रीज वीज़ा ऑन अराइवल। इटली 133 कंट्रीज में फ्री, वीज़ा फ्री और 44 कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल। नेक्स्ट है और नीदरलैंड, लक्समबर्ग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑस्ट्रिया 132 कंट्रीज में वीज़ा फ्री और 45 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में 130 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री और 47 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल। अब इसमें जो सिंगापुर जो उस लिस्ट में टॉप पे था वो है 138 कंट्रीज़ में इसको वीज़ा फ्री है और 36 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल है। वैसे तो वीज़ा फ्री यूएई से ज़्यादा है, पर यहाँ पे क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल ओनली 36 कंट्रीज़ का ही है, इसलिए ये 6 नंबर पे रखा गया है। अब इसमें यह है कि पासपोर्ट इंडेक्स वाली रिपोर्ट में मैंने ये देखा कि कितने वर्ल्ड को कवर करते हैं और कितने कंट्रीज है वीज़ा फ्री वाली, तो वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वीज़ा फ्री का मतलब ये है कि आसानी से उस देश में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।